Yeah, guys, welcome you all to this yet another session on options. And today we'll be discussing liquidity. So, friends, to start with, I'll be sharing the presentation and we'll be taking you through some of the examples as well. So, what is liquidity in options? Basically, liquidity in options means that the ease with which an option can be bought or sold. And that too without causing much significance in prices. So prices अगर ज्यादा चेंज नहीं हो रहे हैं, आई मीन टू से अगर प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ रहा है बाइंग और सेलिंग में, सो देन दैट इटसेल्फ शोज दैट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इज वेरी लिक्विड, राइट सर? सो डू यू वांट टू पुट समथिंग हियर? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है, उसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि तरल, जो वर्ड यूज करते हैं, दैट मींस द थिंग्स व्हिच कैन बी सोल्ड और बॉट एट एनी टाइम। फॉर एग्जांपल लेते हैं गोल्ड। गोल्ड ऐसा एक लिक्विडिटी है कि अगर हमारे पास लिक्विड कुछ गोल्ड है, अपन रात को 12 1 2 बजे कभी भी चाहे तो कोई इमरजेंसी पड़ता है तो हम उसको सेल कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी वैसे ही रहता है ऑप्शन में, कि हम लिक्विडिटी जहां पे लिक्विडिटी अच्छी है उस स्टॉक के ऑप्शन में या इंडेक्स के ऑप्शन में अपने को एंटर करना चाहिए। और एंटर करते हैं तो हमारा क्या होता है कि एक ट्रेडिंग जो होती है तो अच्छा ट्रेडिंग होता है, इसलिए जो ऑप्शन जो लिक्विडिटी है उसे काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब अपन ऑप्शन में जब एंटर करते हैं तो वी शुड एंटर इनटू अ गुड लिक्विड स्टॉक। राइट फ्रेंड्स, लिक्विडिटी जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है, जैसे कि हमने बात की। और ये जो लिक्विडिटी है ये कैसे इम्पैक्ट करेगी हम आगे के स्लाइड्स में समझेंगे। सो टेकिंग यू फर्दर, रोल ऑफ लिक्विडिटी इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। बेसिकली मार्केट का जो इम्पैक्ट है, अगर हाई लिक्विड ऑप्शंस में हम काम कर रहे हैं सो उसमें जो स्प्रेड्स होते हैं यानी कि डिफरेंस जो होता है बाइंग और सेलिंग में कम होता है, और इसलिए ऑर्डर्स जो है आसानी से एग्जीक्यूट हो सकते हैं। बट अगर लिक्विडिटी कम है तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट कॉस्ट जो है हमारा इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी बहुत आसानी से होगा बिकॉज बायर्स एंड सेलर्स जो है वो ज्यादा मात्रा में है, तो हमको जब भी ट्रेड करना है, हमको अगर कोई चीज खरीदनी है तो आसानी से मिल जाएगी और बेचते वक्त भी आसानी से सेल हो जाएगा। एंड माइंड यू फ्रेंड्स, खरीदना इंडियन मार्केट में फिर भी बहुत आसान है, बेचना डिफिकल्ट होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड दैट इज द रीजन लिक्विडिटी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स। रिस्क मैनेजमेंट। सो रिस्क कब कम होता है? जब हमको अगर कोई पोजिशन, हमारी पोजिशन अगर मान लीजिए अनफेवरेबल चल रही है, तो अनफेवरेबल पोजिशन में हमको अगर हमारा रिस्क मैनेज करना है तो उसमें जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लीजिए हमने कैश मार्केट में कोई पोजिशन बनाई है और हमको उसका रिस्क मैनेज करना है और हम ऑप्शंस में पोजिशन क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके सामने में, सो इन दैट केस वो जो स्टॉक है या इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि कोई इंडेक्स है, तो उसमें हमको पोजीशन आसानी से बनाने के लिए मौका मिलता है एंड दैट इज द रीजन वी कैन मैनेज दैट रिस्क। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट लिक्विडिटी अगर अच्छी है तो रिस्क भी बहुत अच्छे से मैनेज होगा। सर, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? इंपैक्ट कॉस्ट, इंपैक्ट कॉस्ट के साथ डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क प्राइस, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको इंपैक्ट कॉस्ट होता है। और इन दोनों में जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। जैसे टिक साइज हमारे इंडियन मार्केट में 5 पैसे का है, अगर 5 पैसे में कहीं मिलता है तो दैट इज मोस्ट लिक्विड इंस्ट्रूमेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें निफ्टी है, तो निफ्टी में कभी भी हम बाय करते हैं एट द मनी, आउट ऑफ मनी या इन द मनी बाय करते हैं, तो उसमें जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो 5 पैसे के टिक साइज में हमको मिल जाता है। तो उसी समय से ही करना चाहिए कि जब भी अपन ऑप्शन में पोजिशन बनाए तो उसका जितना भी इम्पैक्ट कॉस्ट जितना है कम से कम हो, तो अपना अपना जो रिस्क मैनेजमेंट उतना इजिली हो जाता है एंड इट कैन बी सोल्ड एट एनी टाइम। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, सो चूजिंग द राइट स्टॉक्स इन ऑप्शंस। सर, हमने इसके पहले एक बार स्ट्राइक्स में डिस्कशन किया था कि स्ट्राइक्स कैसे होते हैं और कैसे चूज करना होता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक्स की। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी चूज राइट स्टॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कंपनीज जो दिग्गज कंपनीज हैं, अगर हम ऑप्शंस में काम कर रहे हैं उसके, तो कंपनी दिग्गज होनी चाहिए, बड़ी कंपनी होनी चाहिए मार्केट कैप के एंगल से। वो अगर दिग्गज कंपनी है तो फिर भी ये पार्ट भी देखना बनता है कि उसके काफी सारे स्ट्राइक्स जो है अलग अलग, उसमें जो लिक्विडिटी है वो प्रॉपर है कि नहीं, और फिर उसका वोलेटिलिटी जो है वो कैसा है। सो आई थिंक इसको एक एग्जाम्पल से अगर हम शेयर करना चाहे
सो आई विल टेक यू थ्रू कपल ऑफ एग्जाम्पल्स. हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए रेडी रखे थे. हम अगर ऑप्शन चेन्स को ऑब्जर्व करते हैं, ये एक स्टॉक है जो हमने अभी देखा था अबॉट इंडिया. ये स्टॉक का प्राइस करीब करीब 29,000 के आसपास चल रहा है, और अभी 29,500 का जो स्ट्राइक है उसमें अगर हम देखते हैं तो बाइंग और सेलिंग जो है वो कैसा है हमको समझ में आएगा. सो बिड क्वांटिटी इज 40 फॉर अ स्ट्राइक विच इज 29,500 एंड आस्क क्वांटिटी इज ऑल्सो 40. लेकिन बाइंग और सेलिंग में प्राइस का डिफरेंस आप देखेंगे, यहाँ मैंने सिलेक्ट करके रखा है. सो 561 में बायर है और 587 में सेलर है. जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा है. एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं पुट्स की, तो पुट्स में भी सिमिलर पोजीशन आपको दिखेगी कि बाइंग और सेलिंग में बहुत बड़ा अंतर है. तो ये हमको दर्शाता है, इससे मालूम पड़ता है. मैं इस तरफ पुट्स में आता हूँ तो बाइंग इज एट 600 एंड सेलर इज एट 730. सो बहुत बड़ा गैप है. इस तरह के स्टॉक्स, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे आपको जहां पे ये जो डिफरेंस है बायर और सेलर का वो काफी बड़ा है. और अगर हमको खरीदना है या हमको बेचना है तो लिक्विडिटी कम होने की वजह से ये इतने आसानी से ट्रेड होगा नहीं. सो आई हाई होप आपको ये चीज समझ में आई हो. मैं इसको और आगे लेके जाता हूँ. सर इसमें आपको कुछ ऐड करना है? उस कंडीशन में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक चूजिंग एट राइट स्टॉप और चूजिंग द राइट स्ट्राइक्स. जैसे अभी सर बता रहे थे कि राइट जो स्ट्राइक प्राइस के बारे में, इसके पहले जो वीडियो है हमने उसमें डाल रखी है, आप थोड़ा सा उसमें थोड़ी देखेंगे तो उसमें स्ट्राइक समझ में आ जाएगी मुझे स्ट्राइक उपाय करना चाहिए. फिर भी जस्ट रिमाइंडर के लिए, आप स्ट्राइक वही हमेशा लीजिए जो आप उसको बियर कर सकते हो, उसमें जो रिस्क मैनेजमेंट है जितना आप एफोर्ड कर सकते हैं. अगर इन द मनी एट द मनी और ओटीएम तीन स्ट्राइक्स होते हैं, तो तीन स्ट्राइक में जो कंफर्टेबल आपको है, जिसमें आप रिस्क को एक कंफर्टेबली उसको आप बियर कर सकते हैं, तो उसमें जाइए. और सेकंड थिंग है कि जब भी अगर आप इंडेक्स में काम करते हैं, निफ्टी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में. और बैंक निफ्टी जाते हैं, बैंक निफ्टी में एट द मनी के ठीक है, अगर जब आउट ऑफ मनी आप जाते हैं ज़्यादा दूर में उस तरह से प्रॉब्लम आती है. और सिमिलरली फिन निफ्टी भी है, मिड कैप निफ्टी भी है, तो ये जो इंडेक्स में जाते हैं उसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आती है. और जहां तक निफ्टी की बात है, निफ्टी एक कंफर्टेबल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, साथ साथ में आप कोई भी स्ट्राइक में उसमें काम कर सकते हैं. और बीड इंपैक्ट का जो कॉस्ट होता है वो टिक साइज जो 5 पैसे रहता है, मैक्सिमम 5 पैसा या 10 पैसा उसके बीच में रहता है, उसका बड़ा गैप नहीं होता है. तो बेटर है कि ऑप्शन में जो काम करते हैं तो मेनली आपका स्टॉक पर्टिकुलर राइट स्टॉक एंड राइट स्ट्राइक्स, ये दो इंपॉर्टेंट है. अगर ये दो इंपॉर्टेंट आपने अगर चूज कर ली तो समझ लीजिए कि आपका जो रिस्क है वो काफी हद तक अपने खत्म कर दी बाई चूजिंग सिंपली स्टॉक्स एंड स्ट्राइक्स. टेकिंग दिस फर्दर, हमने जो स्ट्राइक्स की बात की उस पर भी हमने स्लाइड रखी हुई है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस, दैट स्ट्राइक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें हमको ये भी देखना है कि कितना समय हमारे पास में है, उसका भी हमको ध्यान रखना है. और फिर हमको ये प्रोबेबिलिटी भी असेस करनी है कि वो जो स्ट्राइक है, अगर हमने कोई ओटीएम स्ट्राइक खरीदा है तो वो कितने जल्दी आईटीएम होने का चांस है, मतलब वो टारगेट जो है वो स्टॉक का. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस की बात करते हैं सर, तो 2950 के आसपास का भाव होना चाहिए आज का जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं. और अगर हम 3,000 के स्ट्राइक की बात करते हैं तो इट्स लाइक 50 रुपीज फ्रॉम करंट स्ट्राइक, करंट मार्केट प्राइस. सो ये जो 3,000 का स्ट्राइक है वो जो भी रेट में ट्रेड कर रहा होगा उसकी प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई है कि वो 3,000 का स्ट्राइक को क्रॉस कर जाए, क्योंकि रिलायंस अभी अप मोमेंटम में भी है. सो ऑब्वियसली जितने समय में, यहाँ से अगर एक्सपायरी को 15 दिन है तो 15 दिन के अंदर रिलायंस वो स्ट्राइक को डेफिनेटली अचीव कर लेगा. सो दैट इज द रीजन वी कैन चूज सच काइंड ऑफ स्ट्राइक्स विच यू फील दैट जिसकी प्रोबेबिलिटीज काफी हाई है. हम ऐसा कोई स्ट्राइक रिलायंस 3,500 वगैरह का स्ट्राइक अगर हम चूज करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली वो ये एक्सपायरी में शायद अचीव ना हो, और उसके वजह से टाइम डीके की वजह से उसका पूरा प्रीमियम जो है उसका लॉस होने का चांस रहेगा. राइट, टेकिंग दिस फर्दर, व्हाट नॉट टू चूज इन ऑप्शंस ट्रेडिंग? सर आई थिंक ये आप बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं. मेनली क्या है कि व्हेनेवर वी आर वर्किंग इन ऑप्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में हर आदमी बोलता है मैं इसमें काम करूंगा उसमें काम करूंगा, बट थिंग इज दैट किसमें काम नहीं करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और मार्केट में सबसे बड़ी चीज है कि मेरे को क्या इग्नोर करना है, बाकी करते सब कुछ है. लोगों को ये इसमें काम करना उसमें काम करना, नोबडी इज सेइंग दैट इसमें नहीं करना है करके. तो जब भी हम ऑप्शन में काम करते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट जो चीज है कि किसमें हमको काम नहीं करना है, ये आपको पहले मेंटली मेंटली प्रिपेयर्ड होगा. जिस स्टॉक में काम करते हैं उसके साथ बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, तो आपको पता पड़ेगा कि
पीए स्टॉक कैसा बिहेव करता है और इसका जो ऑप्शन जो है वो किस टाइप का बिहेव करता है। उसमें जो होता है पहले था रिस्की स्टॉक्स, जो रिस्की स्टॉक्स है उसमें आपको नहीं जाना है एट इनिशियल लेवल में। जब मार्केट आप इनिशियल एंटर करता है मोबाइल स्टार्टअप, उस टाइम आपको रिस्की स्टॉक में नहीं जाना है, आपको मोस्टली लिक्विड स्टॉक में जाना है। और धीरे धीरे लिक्विड स्टॉक में जब काम कर रहे हैं तो आपको पता पड़ जाएगा कि एक्चुअली मार्केट में लिक्विडिटी होती क्या है और उसमें मूवमेंट कैसा होता है, आराम से कैसे कैश करते हैं। दूसरी बात है इलिक्विड ऑप्शंस। ऑप्शंस मीन्स आपका एटीएम ओटीएम एंड आईटीएम रहता है और दूर का भी रहता है, डीप आईटीएम रहता है और डीप ओटीएम भी रहता है। तो जब इसमें हम काम करते हैं तो इसमें देखना है कि इलिक्विड ऑप्शंस स्ट्राइक्स कौन सा है और स्टॉक कौन सी है। जैसे अभी एग्जाम्पल आपने अबाउट इंडिया का देखा, तो लिक्विडिटी अच्छा नहीं है उसमें। तो सिमिलरली बहुत सारे ऐसा ऑप्शन होते हैं, स्टॉक तो अच्छा रहता है पर दूर का जो रहता है, फॉर एग्जाम्पल से एचडीएफसी बैंक है, उसमें दिक्कत आती है। हालांकि अच्छा स्टॉक है, निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, पर्टिकुलर स्ट्राइक्स में, आईटीएम तो पर आईटीएम। तो उस चीज को आपको थोड़ा सा देखना है, बट लेने से पहले आप ये मैक्स श्योर कर लीजिए कि उसका बायर एंड सेलर किस किस प्राइस में बैठे। अगर ज्यादा डिफरेंस है तो उसका आगे इनलिक्विड ऑप्शंस जो होते हैं फ्रेंड्स, वो नॉर्मली आईटीएम ऑप्शंस ज्यादा इनलिक्विड होते हैं और उसमें हमको ज्यादा ध्यान रखना होता है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करें, वैसे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है ऑप्शंस में, लेकिन आज क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं लिक्विडिटी की, तो एक दो स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। प्रोटेक्टिव पुट और कवर्ड कॉल। सर, प्रोटेक्टिव पुट आपका फेवरेट है और कवर्ड कॉल जो है मेरा फेवरेट है। अगर प्रोटेक्टिव पुट की बात है, बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई सोचने की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाना है और कितना ऊपर जाना है, अगर हमें लगता है कि नहीं मार्केट मेरे को अभी 21,800 मार्केट चल रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 22,500 पर मार्केट जाएगा इस महीने के अंदर, ये मेरे को लग रहा है। तो उस कंडीशन में रिस्क को अवॉइड करने के लिए जैसे मैंने फ्यूचर बाय किया, वो फ्यूचर बाय किया हूँ तो मेरे को 21,800 का एक पुट बाय करना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं जो पुट बाय करता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं मेरा रिस्क को मैं फिक्स कर दी। 21,800 का जो पुट है उसका जो प्रीमियम है वही मेरा मैक्सिमम रिस्क है, उससे आगे मेरे को लॉस नहीं होना है। मार्केट में कोई और एडवर्स सिचुएशन जो आती है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या एनीथिंग समथिंग एडवर्स कमिंग द मार्केट, उस कंडीशन में मेरे को पहले से पता रहता है कि उस कंडीशन में मेरे को मेरा रिस्क कितना रहेगा, कब रहेगा, जिस दिन ये एक्सपायरी होगी मंथली बाद, उस दिन जाकर मेरे को ये रिस्क मेरे को ये करना पड़ेगा। इन द मीन टाइम जो मार्केट अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर चले जाता है, 22,500 बात कर रहे हैं, 21,800 से 22,500 मतलब 700 पॉइंट का मूवमेंट है, और मैंने अगर पुट को अगर 200 रुपीज में बाय कर रखा है, दैट मीन्स 2,500 जो मार्केट टच कर लेता है, तो उस कंडीशन में 700 पॉइंट का गेन होता है। अगर मैं पुट बाय कर रहा हूँ 200 में, तो 200 लगभग जीरो हो जाता है, लगभग पूरा जीरो नहीं होता है, डिपेंड करता है कि ये 2,500 कब अचीव होता है। तो ये जो लॉस 200 पॉइंट का मैंने बाय कर रखा हूँ, ये मेरा एक लॉस है। दैट मीन्स 700 माइनस 200 इज इक्वल टू 500 प्लस, जो 500 पॉइंट का मेरे को गेन मिला। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला कि मेरे को एक साउंड स्लीप हुआ, मेरे कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मार्केट में कुछ भी कैसा कैसा बिहेव करे, माय रिस्क इज लिमिटेड टू ओनली 200 पॉइंट्स, दैट इज 10,000 इन निफ्टी। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव पुट। सिमिलरली इसका एक अपोजिट होता है प्रोटेक्टिव कॉल। अगर हम कोई शॉर्ट पोजीशन लेते हैं फ्यूचर में, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव कॉल लेते हैं, इसको हम हेजिंग पोजिशन कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में, वी कॉल्ड इज हेजिंग। हेजिंग मीन्स आपको प्रॉफिट कम मिलेगा बट योर कैपिटल इज प्रोटेक्टेड, एंड सिमिलरली यू नो व्हाट इज योर रिस्क एट द एंट्री ऑफ द योर पोजीशन। या दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव पुट एंड प्रोटेक्टिव कॉल। सिमिलरली कवर्ड कॉल। कवर कॉल सो सस्ते। बेसिकली कवर्ड कॉल जो है, अगर आप एटीएम कॉल एक खरीद रहे हैं और कोई ओटीएम कॉल को राइट कर रहे हैं, सो इन दैट केस मतलब मेरा ये बोलना है कि मान लीजिए निफ्टी की बात सर कर रहे थे, 21,800 का लेवल है, मुझे लगता है कि 21,800 से निफ्टी 22,500 तक जा सकता है और वो इसी एक्सपायरी में, इसी मंथली एक्सपायरी में जाएगा। सो मैं 21,800 का एक एटीएम कॉल खरीदूंगा और 22,500 का एक ओटीएम कॉल सेल करूंगा। सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी विच इज कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। अब इसके पे ऑफ्स वगैरह की जो बात करेंगे हम आगे के वीडियोस में डेफिनेटली करेंगे। आज सिर्फ आपको एक स्ट्रैटेजी समझाने के लिए कि इस तरह की स्ट्रैटेजीज होती है जिसमें आप आपके प्रॉफिट या लॉसेस को लॉक करके रख सकते हैं। दे के नॉट गो बियॉन्ड प्रपोर्शन।
प्रॉफिट जो है वो भी एक लिमिट में होंगे और लॉसेस भी लिमिट में होंगे। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इस तरह से बन सकती है जहां पे आप आपके लॉस को खास करके उसको लॉक कर सकते हैं। सो द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे सेशन सर, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स। सो नंबर वन इज कंटिन्यूअस लर्निंग, नंबर टू इज रिस्क असेसमेंट, एंड नंबर थ्री एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज ट्रेड जर्नल। सर इसके ऊपर थोड़ा सा गाइड करें। यस, मैं नंबर वन कंटिन्यूअस लर्निंग, ये सबको पता है लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस जर्नी। जिस दिन आपने लर्निंग छोड़ दी तो समझ लीजिए आपका डेवलपमेंट वहां रुक जाता है। और पर्टिकुलर सो फॉर स्टॉक मार्केट इज कंसर्न, आपको तो रोज कुछ ना लर्न करना पड़ेगा, और आप लर्न नहीं करोगे तो मार्केट आपको लर्न करवा देगा। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं सब कुछ सीख गया हूँ एंड आई कैन डू व्हाट एवर आई लाइक इन द मार्केट दैट आई कैन डू, बट ये संभव नहीं है। क्यों, मार्केट में कभी भी पिछले 7-8 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आपको रोज कुछ ना कुछ सिखाता है मार्केट, तो जो सिखाता है आप उसको ध्यान से सीखना है कि आपको आज उसने क्या हमको लेसन दिया, और उस लेसन में जो भी सही है गलती है उसको लर्न करना है और फर्दर उसको जो मिस्टेक से उसको अवॉइड करना है। आप लर्निंग जो है उसको कंटिन्यूस प्रोसेस ना देना है। आपका रिस्क असेसमेंट, जो रिस्क तो असेसमेंट होता है ये आपको पहले से पता होना चाहिए मेरा रिस्क मेरे को कैसे असेस करना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपको बिना रिस्क असेसमेंट के एंड बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप मार्केट में मैंने मनी बना नहीं सकते हैं। तो मैं लेके रिस्क असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका ट्रेड जर्नलिंग, ट्रेड जर्नलिंग इज नथिंग, आप दिन भर में जो भी ट्रेड करते हैं, एज ए ट्रेडर बात कर रहा हूँ मैं, जो भी आप ट्रेड करते हैं उसमें क्या गलती हुई है क्या सही है आप एक नोट बनाइए, नोट बना के आप उसमें लिखते जाइए। तो लिखते जाने से आपको ये पता पड़ेगा डे एंड में कि मैंने आज कहाँ पर गलती की और कैसा गलती की, ये गलती होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था। तो आपका ऑलरेडी ट्रेडिंग सेटअप रहता है, मैं उस ट्रेडिंग सेटअप को रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, तो उस कंडीशन में अगर ये गलती हुई है तो गलती कहाँ पे हुई है उसको मैं फर्दर उसको रिपीट नहीं करना है उस गलती को। अगर ये जर्नल आप मेंटेन करते हैं तो एंड ऑफ द मंथ में अगर आप उसको 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक उसको चेक करते हैं तो आपका काफी कुछ जो मिस्टेक्स आप करते हैं वो चेक हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करना चाहिए एट इनिशियल लेवल में, फिर आगे चल के जब आप एक्सपोर्टिंग हो जाएंगे उस तो टाइम आपको ध्यान में रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं करूँ, मेंटेन। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी एंड आई थिंक दिस वीडियो वुड हैव बीन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग दिस एस्पेक्ट। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो यू कैन गेट बैक टू अस, यू कैन कनेक्ट अस एनी टाइम। वी आर अवेलेबल नॉट जस्ट ऑन यूट्यूब बट ऑल्सो व्हाट्सएप, एंड यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एज प्रेस द लाइक बटन। And also press the bell icon so that you'll get the updates about regular videos that we are posting. Right, friends? Thank you so much.